हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गाना तो सुन ही लिया यार। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना आज इस गाने को सुन के। एक्चुअली मैंने ये गाना देखो आपको इसलिए सुनवाया है, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि इससे हाईली मोटिवेशनल वीडियो हो ही नहीं सकती है। एक्चुअली आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है अभी, RRB JEE का भी एग्ज़ाम आ रहा है, NTPC का भी एग्ज़ाम आ रहा है, और भी कई सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। सो उससे पहले मुझे ये बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो लगी। इस वीडियो में जो आपको लेडीज़ दिख रही हैं, ये लेडीज़ का नाम है रानू मंडल, और ये एक सिंगर बन चुकी हैं आज की डेट में। अगर आप कुछ समय पहले की बात करोगे तो ये क्या थी आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक। वैसे तो काफ़ी लोग अभी इस वीडियो को देख चुके हैं ऑलरेडी, ये जो हिमेश रेशमिया जी ने इनको मौका दिया अपने गाने में, तो इस वीडियो को जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया देख चुका है। लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप को इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, ये जो लेडीज़ हैं रानू मंडल, ये एक बैगर मान सकते हैं आप इनको, एक बैगर थी ये, जो कि रेलवे स्टेशन पर बैठ के अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया करती थी विद द हेल्प ऑफ दिस सॉन्ग। जो सॉन्ग ये गा रही हैं वो अभी हिमेश रेशमिया जी की एक मूवी का सॉन्ग है, उनकी एक मूवी में उनको एक गाना मिला है, वो गाना इन्होंने साथ में गाया है रानू मंडल के। इससे पहले ये लता मंगेशकर के गाने गाया करती थी रेलवे स्टेशन पे, आपने वो भी वीडियो देखा होगा, वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ है। तो बेसिकली इसका जो मोटिव है इस वीडियो का, वो ये है कि अगर आप कुछ काम मन से कर रहे हैं तो वो आवाज़ आपकी पहुंच ही जाती है सब लोगों तक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, बस वो मन लगा के करिए और अच्छे से करिए। अपना मतलब हार्ट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि दिल से जो भी काम किया जाता है ना उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो अभी सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, उसी के लिए जो भी RRB 2 के लिए आप जो सेलेक्ट हुए हैं, RRB JEE CBT 2, उन लोगों के लिए भी है, और बाकी जो लोग अभी NTPC वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे, उन सब के लिए मैं पहले ही एक वीडियो ये कहूँगा कि ज़रूर देखें यार, सब लोग देखें इस वीडियो को और सबको दिखाएं, क्योंकि एक ऐसी प्रतिभा है ना, इनको हिमेश रेशमिया ने सोचिए एक ही दिन में इनको लाखपति बना दिया है इनका। जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं अभी यूट्यूब पे, तो उसमें बताया गया है कि इनको एक ही गाने की फ़ीस 7 से 8 लाख मिली है, 7 से 8 लाख रुपये इनको फ़ीस मिली है इनके पहले गाने की। तो सोचिए, एक लेडीज जो कि कल तक खाने के उनके पास पैसा नहीं था, आज उनका जो मेहनत है और उनका लक भी है, बोला जाएगा लक भी है, क्योंकि उनकी जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया से वायरल हुई थी, एक इंसान ने इनकी ज़िंदगी को बना दिया, उन्होंने ये गाना गा रही थी। मतलब बेसिकली आप सब ने देखी होगी वो वीडियो, रेलवे स्टेशन पे गाना गा रही थी, उसको रिकॉर्ड किया एक इंसान ने और उसको अपलोड किया सोशल मीडिया पे, और जो वॉइस है ना इनकी वो अलग ही है कुछ। एक बार और फिर से डेमो देख लेते हैं। बस यही है कि हाँ देखो, जिस तरीके से इन्होंने मन से काम किया ना, वैसे ही आप भी मेहनत करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का सेलेक्ट हुए हैं जो 72 के लिए, और आगे के लिए गुड विशेस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को प्रमोट भी करिएगा यार। ये देखो रानू मंडल, इनको थोड़ा सा आप जब इतना ऊपर आ चुके हैं तो और प्रमोट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।